आप सब अब रवि की बोनी की तैयारियों में लगे होंगे। रवि की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी, सभी तरह का खाद हमारे पास उपलब्ध है। और इसलिए अफवाह पर ध्यान मत देना, जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं, हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं, आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए तो आप 07-55-267-8403 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खाद समय पर पूरी उपलब्ध कराना यह हमारी ड्यूटी है और भारत सरकार का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। वर्षा के कारण, असमय वृष्टि के कारण कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। किसान कितनी कठिनाई में पड़ते हैं ये मैं समझता हूं, इसलिए मैंने निर्देश दे दिए, जहां फसल को नुकसान हुआ है वहां फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। उसलिए जिन किसानों की फसल खराब हुई है या कुछ नुकसान पहुंचा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संकट है लेकिन इसके पार निकाल के हम आपको ले जाएंगे, इसलिए चिंता ना करें। धन्यवाद।